दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे मुहर्रम और ताजिया के बारे में। तो हाई कोर्ट से क्या गाइडलाइंस जारी हुई है, तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, आपको फुल डिटेल मिलेगी। मुहर्रम 2021 नहीं दिखा मुहर्रम का चांद, जानिए कब है इस्लामिक साल का पहला दिन। तो नई दिल्ली 10 अगस्त, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस्लामिक साल का महीना आज से शुरू हो रहा है। सोमवार को मुहर्रम का चांद नहीं दिखा था, जिसके बाद लोगों में इस बात को लेकर आजमाइश था कि मुहर्रम आज या कल, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज शाम से ही 1443 हिजरी साल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मुहर्रम का पहला दिन कल ही माना जाएगा, लेकिन शाम से हिसाब से 24 घंटे कल पूरे हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें। मुसलमानों के शिया समुदाय के लिए ये मातम का दिन है। दरअसल मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि मुसलमान के शिया समुदाय के लिए तमाम मातम का महीना है, जिससे वो इमाम हुसैन के शोक को मानते हैं। आमतौर पर 10वें मुहर्रम की को ही सबसे पवन माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी वजह से 10वें मुहर्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके ही असरा कहा जाता है। तो असरा क्या कहा जाता है, खास बात यह है, मुहर्रम की पहली तारीख से मुसलमानों का नया साल हिजरी शुरू होता है। मुसलमान देश के लोग हिजरी कैलेंडर को ही मानते हैं। 4 पवित्र महीना है जो एक माना जाता है। मुहर्रम को, मुहर्रम का अर्थ होता है हराम यानी निपष्ट। इस महीने में ताजिया और जुलूस निकाले जाने पर परंपरा है, तो इस पूरे महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।